my lovelies, मैं हूँ रंगीली रुचि and welcome to Bollywood Cafe. यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, just like my कड़क कप ऑफ कॉफी. कपिल शर्मा दोबारा किस किस को करेंगे प्यार. कपिल शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू मूवी किस किस को प्यार करूं से किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी. अब इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें कपिल दोबारा लीड रोल में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे. इस मूवी की शूटिंग नेक्स्ट ईयर मई में स्टार्ट होगी और ये मूवी साल 2016 के एंड तक रिलीज हो जाएगी. अब देखते हैं इस मूवी में कपिल कितनी बीवियों और कितनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रोमांस करते हैं. सोनाक्षी ने जड़ दिया रणवीर को थप्पड़. अरे ऐसा वैसा मत सोचिए, दरअसल सोनाक्षी ने हेरा फेरी मूवी के एक सीन का डब स्मैश वीडियो शूट किया है, जिसमें रणवीर अक्षय कुमार की मिमिक्री करते हुए कहते हैं, स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल है. और इस पर सोनाक्षी रणवीर को तमाचा मारते हुए कहती है, ये बाबूराव का स्टाइल है. और सोनाक्षी इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखती है, ये बाजी राव का स्टाइल है. वाह रणवीर, आपने तो बड़ा अच्छा तरीका चुना है अपनी फिल्म को प्रमोट करने का. आई होप आपकी मूवी बाजी राव मस्तानी भी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को मस्तानी कर दे. हेट स्टोरी 3 मूवी पहुंच गई है 2015 की टॉप 15 फिल्मों में. जी हाँ, हेट स्टोरी 3 ने ओपनिंग डे पर 9.72 करोड़ का बिजनेस किया, जो अक्षय कुमार की मूवी बेबी, अजय देवगन की दृश्यम और कंगना की तनु वेड्स मनु रिटर्न्स से भी ज्यादा है. इस इरोटिक थ्रिलर मूवी ने कलेक्ट किए हैं 26.82 करोड़ इन द ओपनिंग वीकेंड इटसेल्फ. क्या बात है, हेट स्टोरी 3 को तो ऑडियंस का जरूरत से भी ज्यादा लव मिल रहा है. तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन. मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी. फीवर.